बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत टाइम बाद इतनी अच्छी फिल्म देखा है तो मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगा है। ओके, तो नील का काफी समय बाद कमबैक था, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उनके एक्टिंग और उनका परफॉर्मेंस? जिस तरीके से उन्होंने काफी सालों के बाद कमबैक किया है उस तरीके से उन्होंने प्रूफ भी किया है इस फिल्म के जरिए कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इस फिल्म से मुझे वो उम्मीद थी, जिस उम्मीद से वो कायम हुए हैं तो मुझे फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई है। ओके, तो एक्टिंग की अगर बात करो तो उनके साथ इसमें शमा सिकंदर है, अदा खान, अदा शर्मा है और नील, तो आपको सबसे अच्छी किसकी एक्टिंग लगी? सबसे अच्छी तो नील नितिन मुकेश की फिल्म जो कैरेक्टर है वो सबसे अच्छा है। उसके बाद अदा शर्मा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया है। साथ ही शमा की बात की जाए तो उसने भी जैसे जिस तरीके से उन्होंने एक्शन किया फिल्म के अंदर तो उनका भी बहुत अच्छा रोल है फिल्म के अंदर, तो मुझे सबकी परफॉर्मेंस ओवरऑल मिला के अच्छी लगी है। ओके, तो ये पहली सस्पेंस थ्रिलर था और पहली बार नील के भाई खुद डायरेक्शन में आए हैं। जी हाँ, तो उनके डायरेक्शन के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? बिकॉज उनकी फर्स्ट डेब्यू है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं कोई फिल्म बनाऊंगा तो ये फिल्म की स्टोरी इतनी अच्छी है कि फिल्म हिट जाएगी, ये सोच के उन्होंने अपने भाई को इस फिल्म में लिया और उन्होंने प्रूव भी किया इस फिल्म के साथ। तो उनके डायरेक्शन को आपको कैसा लगा? स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा, मूवी में उन्होंने अपने डैड का गाना लिया है और वो गाना को रीमेक किया पार्टी एंथम में, तो वो कैसा लगा? गाना झूमने वाली हूँ मैं फुल गाने पे, और ये ऐसा गाना नहीं है कि आके आया 5 दिन टिका और चला गया, ये गाना मुझे लगता है कि बहुत दिन तक बजने वाला है, पार्टी में बजने वाला है, थिएटर हर जगह गाना बजने वाला है मेरे हिसाब से। ओके, तो फर्स्ट हाफ आपको ज़्यादा अच्छा लगा या सेकंड हाफ? मुझे सेकंड हाफ ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, एंड 5 में से कितना स्टार देना चाहोगे? 5 में से मैं 3.5 देना चाहूँगी। ऑलराइट, कोई मैसेज देना चाहोगी व्यूअर्स को? ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको एक अच्छी फिल्म देखनी है तो ये फिल्म जाके ज़रूर देखें बाईपास रोड, और आप कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि पैसा वसूल फिल्म है तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा, आई लव्ड द वे नील पोर्ट्रेड हिज कैरेक्टर एंड इट वाज वंडरफुल, इट वाज अ हू डन इट थ्रिलर, और बहुत ही ज़्यादा वो मतलब एक वक्त में भी आप कह नहीं पाएंगे कि आप मतलब हु इज द मेन कल्प्रिट। ओके, सो वेल, इसके अलावा इसमें और भी जैसे कि अदा शर्मा है, शमा सिकंदर है, तो उन सब का कैरेक्टर, उनकी एक्टिंग कैसी लगी? शमा सिकंदर हैज डन अ गुड जॉब, गुलपना हैज आल्सो डन एन ओके जॉब एज़ फार एज़ यू नो, शी इज़ अ लिटिल, शी लुक्स अ लिटिल बिट ओवर द टॉप इन हर परफॉर्मेंस, बट अदा तो है फिल्म में, बट कहीं ना कहीं आई मीन नील इज थ्रू आउट द फिल्म। ओके, तो वन फिल्म दैट इज नॉट देयर। ओके, उनके भाई का वेल ये डेब्यू था, ही इज डेब्यू डायरेक्टर नाउ, सो व्हाट डू वांट टू से लाइक अबाउट हिज डायरेक्शन? अच्छा, उनके भाई का जो डायरेक्शन है, आई मीन इट्स प्रीटी गुड फॉर अ डेब्यूटेंट, ही इज डन अ गुड जॉब, बट आई एम क्वाइट श्योर दैट ही हैज अ लॉट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम हिज बिग ब्रदर नील, और उनका छाप दिख रहा था एज फार एज हिज एक्टिंग इज कंसर्न्ड। आई वुड जस्ट से नील इज थ्रू आउट इन द फिल्म एंड नो वन एल्स एंड नथिंग एल्स मैटर्स इन द फिल्म। ओके, सो यू लाइक फर्स्ट हाफ ज़्यादा या फिर सेकेंड हाफ? फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में, एक्चुअली सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन थे, बहुत ज़्यादा एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था, ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट था एक्चुअली, तो मुझे पूरा फिल्म ही अच्छा लगा, बिकॉज अगर पूरा फिल्म अगर समझोगे नहीं, यू हैव एन एंटायर चंक इन द फर्स्ट पार्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फर्स्ट पार्ट एंड इट्स वेरी मतलब नैरेटिव ऐसा है, इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स नॉट लीनियर, इट्स अ नॉन लीनियर नैरेटिव व्हिच एक्चुअली वर्क्स वेरी गुड फॉर थ्रिलर्स, हु डन इट थ्रिलर्स लाइक दिस वन। Okay, so out of 5, how much stars you would like to give? 4 out of 5. All right. And any message for the viewers? Please go and watch this film, precisely because of the fact that such films don't quite get made every day. And Neil is a wonderful actor. He should be appreciated. People like him, I mean actors like him, should actually get more chance to work. Bypass Road बहुत ही अच्छी फिल्म है। ओके, और क्या कुछ कहना चाहोगे? वेल, क्योंकि नील के भाई ने फर्स्ट टाइम डेब्यू किया है लाइक एज ए डायरेक्टर, तो उनके डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर आप फिल्म देखोगे ना, जिस तरीके से स्टार्ट होती है फिल्म, वो पूरा क्या पूरा जो जर्नी आपको एक थ्रिलर गेम में लेके जाती है, ऐसा लगता नहीं है कि नमन ने फर्स्ट टाइम उनका डेब्यू है करके, एक फिल्म बहुत ही अच्छी है, जिस तरीके से पूरा बैक टू बैक सस्पेंस खुलते रहता है, आपको अचानक से बहुत ज़्यादा शॉक्स लगेंगे फिल्म देख के कि अरे आपने इमेजिन भी नहीं किया रहेगा एंड ऑल ऑफ सडन वो सारी चीज़ें हो जाएंगी आपके सामने, इट्स वेरी गुड फिल्म। ओके, तो एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अदा शर्मा है, शमा सिकंदर है, नील है, सो सबसे अच्छी एक्टिंग आपको किसकी लगी?
मुझे नील इसमें एक अलग ही सरप्राइजिंग पैकेज लगे क्योंकि हमने पाकिस्तान की फिल्में देखी हैं एंड यहाँ पर वो कुछ समय से एकदम ही मतलब उन्होंने हीरो जोन से कट ले लिया था बट वापस जिस तरीके से वो उस फिल्म में आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है. आदा शर्मा तो हम जानते हैं वो बैक टू बैक फिल्में कर रही तो ठीक है उनकी एक्टिंग भी अच्छी ही लग रही है बट यहाँ पर नील ने एक अपने जोन के ऊपर जाके कुछ किया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. ओके तो वेल इसका आपने ज़्यादा फर्स्ट हाफ एंजॉय किया या सेकेंड हाफ? मुझे सेकेंड हाफ ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे पूरे सस्पेंस खुलते हैं किस तरीके से कि क्या है अभी मैं आपको बता नहीं सकती नहीं तो फिर वो थ्रिलर का आपका जो एक्साइटमेंट लेवल रहता है वो ख़त्म हो जाएगा. तो फिलहाल अभी मेरा तो बात मानिए अब जाइए देखिए थिएटर्स में. ओके तो आप 5 में से इसको कितना स्टार देना चाहोगे? 3. ओके कोई मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? हाँ यही कि फिल्म बहुत ही अच्छी है. अगर आप ऐसी आपको अगर कोई मिस्ट्री स्टोरी पसंद है सुनना पढ़ना तो डेफिनेटली फिल्म जरूर जाके देखना. सर आप कौन सी मूवी देख के आ रहे हो? बाईपास रोड. कैसी लगी आपको? ठीक लगी मिस्ट्री थ्रिलिंग. ओके तो अगर मैं बात करूँ नमन की तो फर्स्ट डायरेक्शन था उनका फर्स्टली वो डायरेक्टर बने हैं तो उनका आपको डायरेक्शन स्क्रीन प्ले स्टोरी कंटेंट और डायलॉग्स ये सब कैसा लगा? स्टोरी ठीक है मतलब इतना तो बोरिंग नहीं है थोड़ा मिस्ट्री भी डाला है स्टोरी में और नील नितिन स्टार कास्ट भी बड़ी है देखने लायक है. ओके ओके अगर मैं बात करूँ एक्टिंग की तो इसमें आदा शर्मा है शमा सिकंदर है नील है सो सबसे अच्छी एक्टिंग आपको किसकी? सबसे अच्छा मैं नील नितिन मुकेश बिकॉज ही इज द मेन किलर इसका ही एक्टिंग अच्छा लगा ज़्यादा और आदा और ये शमा इज अ हॉट मतलब थोड़ा हॉट लगी शमा. ओके तो अगर मैं बात करूँ कहीं ना कहीं तो ये मूवी सबको पता है सस्पेंस थ्रिलर है तो क्या आप भी ऐसे मूवी में एनग्रॉस हो गए थे सीट के एज पे थे या प्रेडिक्टेबल लगी? इट्स ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल बहुत सारे मूवी देखे थे इससे भी ज़्यादा थ्रिलर मूवी देखे इट्स ओके मतलब देख सकते हैं बस. अच्छा फर्स्ट टाइम आपको ज़्यादा अच्छा लगा है सेकेंड हाफ? सेकेंड हाफ क्योंकि स्टोरी पूरा रिवील इंटरेस्टिंग. ओके तो 5 में से कितना स्टार देना चाहोगे? 3 or 3.5. ओके कोई मैसेज देना चाहोगे? कोई मैसेज नहीं अगर एक बार टाइम पास करना है देखना है कोई ट्रेलर देखिए थोड़ा सस्पेंस है थ्रिलिंग है तो देख लो.